अच्छा तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे सामने है नोकिया 216 मोबाइल फ़ोन। इसका डिफ़ॉल्ट जो कोड होता है, सिक्योरिटी कोड, वो क्या होता है, चलिए आपको दिखाते हैं आपने इसको कैसे रीसेट करना है। तो सबसे पहले तो आपने मेन्यू प्रेस करना है, उसके बाद व्यूअर्स आपने मेन्यू प्रेस करने के बाद इसकी सेटिंग में चले जाना है जल्दी से। जब आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद व्यूअर्स आपने बिल्कुल नीचे वाली तरफ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नीचे सिक्योरिटी सेटिंग, इस तरह फिर रीसेट फैक्ट्री सेटिंग का यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका जो डिफ़ॉल्ट कोड है व्यूवर्स, वो यहाँ पर हम आपको अगर दिखाते हैं, चलो तो 101 से लेकर 5 तक इसका कोड होता है डिफ़ॉल्ट, 5 तक, 1 2 3 4 5 तक इसका डिफ़ॉल्ट कोड होता है। उसके बाद व्यूवर्स आपने इसको ओके कर लेना है। जो ही आप ओके करेंगे, देख सकते हैं, तो आपका जो ये मोबाइल फ़ोन है इसकी सेटिंग रीसेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि कंप्लीट इसकी सेटिंग रीसेट हो, तो आपने *#7370 डायल करके, जो ही आप ये डायल करके हैश पे मारेंगे तो कुछ आपके सामने इस तरह के इंटरफेस शो होगा। उसके बाद व्यूवर्स आपने ये कंप्लीट रीसेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है एक मरतबा, फिर आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड मांग रहा है, तो आपने फिर 1 2 3 4 5 तो ये कोड आपने दे के इसको ओके कर लेना है। जो ही आप ये कोड दे के आप इसको ओके करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद व्यूवर्स आपका मोबाइल फ़ोन जो है कंप्लीट रीसेट हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।